ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रांसफर डेडलाइन डे के दिन वो कौन सी डील्स थी जो कि एक्चुअली में कंप्लीट हो गई है और कौन सी वो डील्स थी जो कि ऑन पेपर काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाई है। लेकिन यार वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं उस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे कल के वीडियो में ओपिनियन मांगा था कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो को एक राइवलरी प्रोडक्ट मानती या फिर वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड थी रोनाल्डो के साथ रीयूनियन करने में। एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई अप्रिशिएट कि आप में से काफी लोगों ने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, जो कि सही बताऊं तो ऑलमोस्ट सारी ओपिनियंस एक अनबायस थे, सेंस बना रहे थे और काफ़ी लॉजिक बना रहे थे। एंड आई एम हैप्पी कि मेरा जो ओपिनियन था वो भी आपके ओपिनियन के साथ कोइंसाइड करता था। अब यार सारे ओपिनियन में एक वाइफ जो कंफर्म थी कि रोनाल्डो को चाहे सिटी साइन करे चाहे यूनाइटेड साइन करता, फ़ायदा उसी क्लब का होना था जो कि रोनाल्डो को साइन करता, बिकॉज इवन एट दिस एज रोनाल्डो इज़ अ वर्ल्ड क्लास टॉप प्लेयर, आई थिंक वन ऑफ द गोट है। लेकिन यहाँ पे हम इस फैक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ ये सच बात थी कि यूनाइटेड का एक तरीके से परसेप्शन ये भी था कि वो सिटी में रोनाल्डो को जाने नहीं दे सकते थे। और इसके पीछे ये नहीं है कि उनकी कोई सिटी के साथ राइवलरी वगैरह, ये मतलब ठीक है ये सेकेंडरी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रीजन था वो ये था कि जो यूनाइटेड के ओनर्स हैं यानी कि ग्लेजर फैमिली, वो बिल्कुल भी ऐसे टाइम पे अपने फैंस के साथ डिस्टेंस नहीं बना सकती। और आपको पता है कि अगर यूनाइटेड फैंस, आई थिंक एक कमेंट्स भी इसी ओपिनियन में ये मेंशन भी है कि अगर यूनाइटेड फैंस को पता भी चल जाता कि अगर रोनाल्डो को साइन कर सकते थे इतने कम प्राइस पे और सिटी को जाने दिया, तो आई थिंक यूनाइटेड के जो ओनर्स थे उनकी वाट लग जाती। और आई थिंक इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए, लेकिन हाँ जहाँ पर एक रीज़न ये है, एक स्टोरी ये है, वहाँ पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि सर एलेक्स फर्गसन का बहुत बड़ा रोल है इस डील को कंप्लीट करने में, चाहे हम रोनाल्डो की बात करें चाहे हम यूनाइटेड की बात करें। रोनाल्डो को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, एज सुन एज ही गॉट टू नो कि यूनाइटेड उनके साइन करने की रेस में है, उन्होंने एकदम से हाँ कर दिया था और उन्होंने सिटी को रिजेक्ट कर दिया था, जो कि हमें पता भी था कि यही होने वाला है। लेकिन उन्होंने यूनाइटेड को भी एक बार फिर से याद दिलाया कि कौन से प्लेयर को वो मिस कर रहे हैं और कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं और जिसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। इसी के साथ यार मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप से अब ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय ये होप कर रही है और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि रोनाल्डो की साइनिंग से आई थिंक कहीं ना कहीं पॉल पोगबा को ये इंटेंशन क्लियर हो जाएंगे कि यूनाइटेड अब ट्रॉफीज़ के पीछे जा रही है। आप कह सकते हो कि आपको पता है कि रोनाल्डो तो अब आ चुके हैं, तो यूनाइटेड का जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो कहीं ना कहीं ये होने वाला है कि क्या पॉल पोगबा नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो से पहले क्या पॉल पोगबा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले, और अगर नहीं करने वाले तो वो जनवरी में फ्री होंगे किसी भी क्लब के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो आई थिंक हम पूरे समर इस पूरे सीजन अपकमिंग सीजन में यूनाइटेड की तरफ से मल्टीपल एफर्ट्स देखेंगे कि वो पॉल पोगबा को कन्विंस कर सकें। और ऐसे में कहीं ना कहीं यूनाइटेड मानते हैं कि रोनाल्डो की जो साइनिंग है ना वो एक स्टेटमेंट साइनिंग है, वो ये बता रही है कि यूनाइटेड अब ट्रॉफीज़ के पीछे जा रही है। और आप कह सकते हो कि शायद से मे बी पॉल पोगबा इस चीज से कन्विंस हो सकते हैं, बट अगेन जब कन्विंस करने की बारी आती है तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर किस चीज़ से कन्विंस हो सकता है। जहां हम पोगबा की बात करें कि वो रोनाल्डो से कन्विंस हो जाए, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एम्बापे, मेसी और नेमार से भी कन्विंस नहीं हो रहा। तो कन्विंस वाला गेम आई थिंक साइनिंग से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो प्लेयर के खुद के एम्बिशंस पर डिपेंड करता है कि वो उस क्लब में अपने आप को देखता है या नहीं देखता है। इसी के साथ अब बात करते हैं एम्बापे और रियल मैड्रिड वाली डील को। अब यार कल ट्रांसफर डेडलाइन जब ट्रांसफर विंडो क्लोज होने वाली थी उससे कुछ घंटे पहले भी ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि रियल मैड्रिड 200 मिलियन पे करने तैयार है, यानी कि जो पीएसजी इतने टाइम से मांग रही है रियल मैड्रिड उनको वो देने के लिए भी तैयार है। यहां तक कि ये रिपोर्ट्स भी निकल के आई थी कि रियल मैड्रिड के पास एक्चुअली इस समय सारे लॉयर्स प्रिपेयर्ड हैं, वो सारा पेपर वर्क प्रिपेयर्ड है, बस एक फोन कॉल की देरी है जो प्रेसिडेंट पीएसजी के प्रेसिडेंट है नसीर अल खिलाफी, उनकी तरफ से एक फोन कॉल आ जाए और ये डील अभी भी कंप्लीट हो सकती है। रियल मैड्रिड वाज दिस डेस्परेट टू साइन किलियन एम्बापे, बट ना वो कभी फोन कॉल आया। आपको प्रिपरेशंस की बात बताऊं तो आपको पता है कामाविंगा को साइन कर लिया रियल मैड्रिड ने, तो ऐसे में उनको कसिया, आई थिंक रियल मैड्रिड की यूथ टीम या रियल मैड्रिड की बी टीम कसिया, उसके साथ रजिस्ट्रेशन करा था वो इसलिए जिससे एक स्लॉट एंड मोमेंट पे भी खा लियो किलियन एम्बापे के लिए, और अगर इन केस कोई मिरेकल हो तो किलियन एम्बापे को एट द मोमेंट ही रजिस्टर कर पाए रियल मैड्रिड। तो इस टाइप का डेस्परेशन था, इस टाइप के एफर्ट्स थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पीएसजी की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा फुलिश बिजनेस है। आपको बता दूं कि इतने सब के बाद भी एज सुन एज पीएसजी गॉट टू नो
कि रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे वाली जो स्टोरी है ख़त्म हो गई है, उन्होंने एक बार फिर एफर्ट मारा है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को देखें, और उन्होंने इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है एम्बापे को वो 2 साल का है, जिसमें अराउंड 45 मिलियन यूरोस पर ईयर की सैलरी मिलेगी किलियन एम्बापे को, जो कि नेमार से भी ज़्यादा है, मेसी से भी ज़्यादा है और रोनाल्डो से भी ज़्यादा है। एंड आई थिंक इतने सारे ड्रामे के बाद फाइनली किलियन एम्बापे ने पीएसजी को मना कर दिया है। मैंने आपको यार, हम लाइव स्ट्रीम में भी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इस पर कमेंट सेक्शन में भी इस पर लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड वाली डील को कोई भी नहीं तोड़ सकता एक्सेप्ट किलियन एम्बापे, और अभी तक तो यही फीलिंग है कि किलियन एम्बापे आई थिंक पीएसजी को याद दिलाने वाले हैं कि पीएसजी ने कितनी बड़ी गलती करी है। पूरे समर ट्रांसफर विंडो में सब चिल्ला कह रहे थे कि भाई 2022 में किलियन एम्बापे फ्री में चले जाएगा, बट पीएसजी ने नहीं सुना एंड आई थिंक वो इस चीज़ का जो प्राइस है वो पे करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब ट्रांसफर डेडलाइन डे के बारे में, कि कौन सी वो डील थी जो कि एक्चुअली में हैपन हुई है। एंड आई थिंक ट्रांसफर डेडलाइन डे में सबसे बड़ी हेडलाइन बनाई है कि एथलेटिको मैड्रिड ने रीसाइन कर लिया है और एक इमोशनल रियूनियन हो चुका है एंटोन ग्रीजमैन के साथ ऑन अ सीजन लॉन्ग लोन। एंड आई थिंक दिस वॉज वेरी बिग, इसलिए नहीं कि एंटोन ग्रीजमैन की क्या कैपेबिलिटीज है और एंटोन ग्रीजमैन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमें पता है कि लियोनल मेसी जा चुके हैं, तो आई थिंक एंटोन ग्रीजमैन ही वो प्लेयर होने वाला है जिस पे बार्सिलोना सबसे ज़्यादा काउंट करने वाली थी। लेकिन ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। लेकिन इस चीज़ से ये भी चीज़ कन्फर्म हो गई कि आई थिंक रोनाल्ड कोमन की बात करें या फिर हम जॉन लेपोर्टा की बात करें, दोनों प्लेयर एंटोन ग्रीजमैन पे काउंट नहीं करते, और मे बी अभी डील लोन की हो रही है लेकिन आने वाले टाइम में हम शायद से डील को परमानेंट होते हुए भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो बार्सिलोना ने सविया से लुक डियोंग को साइन किया, विच इज़ अगेन अ वेरी क्लेवर साइनिंग। आई डोंट नो, मैंने कुछ ज़्यादा फॉलोअप नहीं करा इस प्लेयर को, तो मेरे को उसकी क्वालिटी इतनी खास पता नहीं है, लेकिन यार दैट्स अ वेरी एक्सपीरियंस साइनिंग एंड वी हैव टू सी कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे सीजन आगे रिज्यूम होगा, हमें देखना पड़ेगा क्या ये जो मिनी डच केमिस्ट्री बन रही है बार्सिलोना में वो कितना काम करती है रोनाल्ड कोमन के लिए। बट अगेन यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बार्सिलोना ने कुछ हद तक तो अपना जो वेज बिल है उसको कम किया है, क्योंकि हमें पता है कि प्यानिश ने 50% सैलरी रिडक्शन के लिए एग्री कर लिया है और सैमुएल उम्तिती ने भी अपनी जो सैलरी है वो 5 मिलियन यूरोस तक आई थिंक रिड्यूस कर ली है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन निकल के आई है वो अगेन एथलेटिको मैड्रिड को मेंशन करती है, और वो ये है कि चेल्सी हैव फाइनली सिक्योर्ड द साइनिंग ऑफ साओ निगुएस फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, और ये डील भी एक तरीके से लोन डील ही होने वाली है। अब ये हमें पता था कि समर ट्रांसफर विंडो में शुरुआत के दिनों से हमें पता चल रहा था कि साओ निगुएस को एक नया क्लब चाहिए, लेकिन अगेन दो डील्स आ रही थी कि दो क्लब सामने आ रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और चेल्सी उनको ऑफर नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली चेल्सी और साओ निगुएस एक पॉइंट पे आके एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ चुके हैं। वेरी गुड साइनिंग, आई थिंक चेल्सी के पास ऑलरेडी इस यूरोपियन टॉप 5 यूरोपियन लीग में, आई थिंक मेरे को टॉप 6 यूरोपियन लीग कहना पड़ेगा, चेल्सी के पास ऑलरेडी टॉप 6 यूरोपियन लीग में कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स है, और ऑलरेडी उन्होंने इस मिडफील्ड को पॉलिश करके आई थिंक ये स्टेटमेंट दे दिया है कि चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग के लिए वो सब बैटिंग ऑड्स में और कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस में सबसे ऊपर बने हुए हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। इसी के साथ बात करें अगर एक और डील की जो कि आई थिंक कंप्लीट करी है, वो कंप्लीट करी है पीएसजी ने, और उन्होंने नूनो मेंडेस को साइन कर लिया है फॉर अराउंड 7 मिलियन यूरोस, मतलब यहाँ पे डील का जो स्ट्रक्चर है वो लोन पे, उन्होंने 7 मिलियन यूरोस पे करे हैं फॉर लोन, और उनके पास है ऑप्शन टू बाय हिम इन 2022 फॉर अराउंड 42 मिलियन यूरोस, और उनको साइन करने के लिए उन्होंने इस रेस में बीट किया है मैनचेस्टर सिटी को, जो कि थोड़े रिलक्टेंट थे उनके जो ट्रांसफर फी है उसको पे करने में। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं उन डील्स पे जो कि एक्चुअली में पेपर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी लेकिन रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं हो पाई। सबसे पहले ये था कि जाओ फेलिक्स और एंटोन ग्रीजमैन का एक पॉसिबल स्वैप होने वाला है, लेकिन इसको बहुत जल्दी रूमर्स को थ्रैश कर दिया गया, क्योंकि जाओ फेलिक्स का कभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो एथलेटिको मैड्रिड को छोड़ने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ये ऑन पेपर ठीक लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन अगेन ये चीज़ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि बार्सिलोना एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर सकती जाओ फेलिक्स को, एंड यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि जाओ फेलिक्स का एक तरीके से मन भी नहीं था कि वो बार्सिलोना में अपने आप को देखते हैं। साथ ही साथ ये भी डील सामने निकल के आई थी कि बार्सिलोना ने अराउंड 75 मिलियन यूरोज़ का ऑफर डाला डैनी ओल्मो के लिए, बट अगेन ये भी जो रूमर्स थे, ये भी जो स्पेकुलेशन थे, ये भी जो डेवलपमेंट थी, ये भी बहुत जल्दी थ्रैश कर दी गई है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी आई थिंक बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच की जो इस समय स्टोरी निकल के आई थी कल, वो ये थी कि
फॉर एंटोन ग्रीजमैन रिप्लेसमेंट बार्सिलोना आर लुकिंग इन एडवांस नेगोशिएशंस विद एडिसन कवानी। लेकिन इस डील को और इस रूमर्स स्पेकुलेशन को थ्रैश कर दिया खुद एडिसन कवानी ने, जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यह क्लियर कर दिया था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्टे करने वाले हैं। एंड आई थिंक उनको लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पर्सपेक्टिव है और जो स्टैंड है वो भी सेम है कि वो भी चाहते हैं कि एडिसन कवानी इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में रुके डिस्पाइट द फैक्ट कि दे ऑलरेडी हैव साइन द गोट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।